हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखें। प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, याद रखेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 16 अप्रैल को इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया, ठीक है। और इस जो 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि USA, यूरोप और अर्जेंटीना जैसे जो है 50 से अधिक देशों के खरीदार होम एक्सपो का दौरा करेंगे। इसमें तो पूछा जा सकता है आपसे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन, होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन सेकंड हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कब? 17 अप्रैल को, ऑप्शन डी, ठीक है। और यह बता दें दोस्तों कि 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। कब? 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा शुरू किया गया था, जिसने दोस्तों WFH के संस्थापक फ्रैंक ट्रावेल के जन्मदिन के सम्मान में 17 अप्रैल को यह बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके संस्थापक कौन थे, फ्रैंक ट्रावेल। आपको बता दें वर्ष 2019 के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या है? इसकी जो थीम है दोस्तों 2019 की विश्व हीमोफीलिया दिवस की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पहुँच और पहचान। पहुँच और पहचान है विषय 2019 का। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, किसको पुलित्जर पुरस्कार और विशेष प्रशस्ति पत्र सम्मान प्रदान किया गया? देखिए दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार और विशेष प्रशस्ति पत्र सम्मान प्रदान किया गया है 2019 में एरिथा फ्रैंकलिन को, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि 1930 में इस सम्मान की स्थापना के बाद वो एक विशेष प्रशस्ति पत्र पाने वाली पहली व्यक्तिगत महिला बनी है, ठीक है। और आपको बता दें कि इनकी जो मृत्यु हुई फ्रैंकलिन की 16 अगस्त 2018 को अग्नाशय में कैंसर के डेट्रायट में उनके घर पर हुई थी, ठीक है। तो एरिथा फ्रैंकलिन को पुलित्जर पुरस्कार विशेष पत्र सम्मान से, विशेष प्रशस्ति पत्र सम्मान से प्रदान किया गया, ठीक है, एरिथा फ्रैंकलिन। क्वेश्चन फोर्थ है, किसको स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया का सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? देखिए दोस्तों मिताली राज को, आप सबको पता है मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सद्भावना जो है दूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब वो बता दें कुछ सौरभ गांगुली और राजस्थान रॉयल्स के साथ टीम का समर्थन करने में शामिल होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये। फिर हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, किसको सेलेक्ट मॉडल बैंक 2019 से सम्मानित किया गया है? सेलेक्ट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों ये फिनकेयर लघु वित्त बैंक को, ठीक है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को, रीडिजाइनिंग लेडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है, रीडिजाइनिंग लेडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेस के लिए वित्तीय समावेश की श्रेणी में सेलेक्ट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिलाइट की मान्यता में है, जो फिनकेयर SBF द्वारा डिजाइन और आंतरिक रूप से विकसित एक टैब आधारित समाधान है किया गया फिनकेयर लघु वित्त बैंक को। किस देश ने अपना ऐतिहासिक मुजीब नगर दिवस मनाया है? मुजीब नगर दिवस बांग्लादेश। देखिए दोस्तों बांग्लादेश में 17 अप्रैल को ऐतिहासिक मुजीब नगर दिवस मनाया गया और यह दिवस 1971 में मेहरपुर के वैद्यनाथन बांग्लादेश की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का प्रतीक है। क्यों मनाया जाता है? 1971 में जो है मेहरपुर के वैद्यनाथ ताल में बांग्लादेश की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का प्रतीक है मुजीब नगर दिवस, ठीक है। और यह दोस्तों पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक दलों और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक मुजीब नगर दिवस बांग्लादेश में मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 30 अप्रैल से 1 मई 2019 के दौरान विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे?
संयुक्त अरब अमीरात दुबई में, ठीक है। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन दुबई में। क्वेश्चन 8th है, दक्षिणी सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे रहे कुल कितने भारतीय शांति रक्षकों को उनके बलिदान एवं समर्पण के लिए पदक देकर सम्मानित किया गया। 150, ऑप्शन ए 150, ठीक है। क्वेश्चन 9th है, किस भारतीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तान को स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। हमने आपको बताया मिताली राज को, ठीक है, ऑप्शन सी मिताली राज को। क्वेश्चन 10th है हमारा दोस्तों, गूगल ने हाल ही में अफ्रीका के किस देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा केंद्र आरंभ किया है। दोस्तों गूगल ने हाल ही में अफ्रीका के घाना में, ठीक है, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र आरंभ किया है, ठीक है। आपको बता दें घाना की राजधानी अकरा में अपना पहला अफ्रीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र जो खोला है। और ये दोस्तों जो अनुसंधान प्रयोगशाला अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 11th दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र का क्या नाम है जिसकी अगुवाई वाली टीम द्वारा तैयार क्यूब सेट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केशव राघवन, ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, केशव राघवन की अगुवाई में एल अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन के अनुसंधानकर्ताओं की टीम देश भर की उन 16 टीमों में शामिल है जिनके क्यूब सेट को 2020-21 और 22 में अंतरिक्ष में भेजाने की योजना है, ठीक है, केशव राघवन। प्रसिद्ध कंपनी सोनी द्वारा जापान में हाल ही में किस नाम से टैक्सी सेवा आरंभ की गई है। एस राइड, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध कंपनी सोनी द्वारा जापान में एस राइड नाम से टैक्सी सेवा आरंभ की गई, जिसमें एस का अर्थ है सिंपल स्मार्ट और स्पीड। इसका क्या अर्थ है, सिंपल स्मार्ट और स्पीड। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये इसराइल, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसराइल के तेल अबीब यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर से एक दिल बनाया है और यह हृदय मानव ऊतक और धमनियों की मदद से बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसराइल के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है। खोजकर्ताओं ने हाल ही में केपलर 47 प्रणाली में कौन से ग्रह की खोज की है। तीसरे, देखिए सैन डियागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में केपलर 47 प्रणाली में तीसरे ग्रह की खोज की गई। वह ग्रह पृथ्वी से 7 गुना बड़ा है और अपनी प्रणाली में सबसे बड़ा है, ठीक है, तो याद रखेंगे तीसरे। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर क्वेश्चन। मैंने पूछा था निम्नलिखित में से किस महिला बॉक्सर ने 54 किलोग्राम श्रेणी में मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन सी मीना कुमारी, ठीक है। सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था। और अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है हमारा। वह देश जिसने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर यानी पानी और ज़मीन पर चलने वाली ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर।